मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले वावाझोड़ा सामे राहत अने बचाव कामगीरी अंगे उच्चस्तरीय बैठक योजी हती। मुख्यमंत्रीए बैठक में वावाझोड़ा परिणाम संभवित परिस्थिति सामे वहीवटतंत्र द्वारा करायेला आयोजन ने विगत मेळवी अने जरूरी सूचनों आप्या हता। गुजरात में संभवित बिपरजॉय वावाझोड़ा सामे वहीवटतंत्र द्वारा करायेली कामगीरी की बात करिए तो जीएफएक्स इन राज्य सरकारे स्थलांतर पर खास भार मूकीने 8 जिल्लाओं में अत्यार सुधी में कुल 47,000 थी वधु लोगों सुरक्षित स्थले स्थलांतर कराव्युं छे। जे सांज सुधी में आ कामगीरी 100% पूर्ण थवानो अंदाज छे। विगतवार बात करिए तो अत्यार सुधी में जूनागढ़ जिला में 4,462, कच्छ में 17,739, जामनगर में 8,542, पोरबंदर में 3,469, देवभूमि द्वारका में 4,863, गीर सोमनाथ में 1,605, मोरबी में 1,936 अने राजकोट में 4,497 मळी कुल 47,113 लोकोने सलामत स्थळे खसेडवामां आव्या छे। ज्यारे संभावित वावाझोडानी असरग्रस्त जिल्लाओमां एनडीआरएफनी 18 अने एसडीआरएफनी 12 टीम तैनात करवामां आवी छे। जीएफएक्स आउट आ उपरांत कम्युनिकेशन सिस्टम खोरवाय तो सैटेलाइट फोन्स हेम रेडियोनी सेवाओ पण लेवामां आवशे। संभावित बचाव कार्य माटे जरूरी तमाम सहाय तात्कालिक पूरी पाडवा राज्य सरकार सतत संपर्कमां छे। अभी फिलहाल जो साइक्लोन है अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म है। अभी उसका पोजिशन है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है। उसका मूवमेंट अभी रहेगा मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्ली मूवमेंट रहेगा एंड क्रॉस करेगा सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट एडजाइनिंग पाकिस्तान कोस्ट बिटवीन मांडवी एंड कराची नियर जखाऊ पोर्ट का आसपास होके साइक्लोन क्रॉस करने का संभावना है 15th यानी कल इवनिंग तक इवनिंग में साइक्लोन क्रॉस करने का संभावना है। उसके कारण से वेरी हेवी इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। विंड स्पीड रहेगा 125 to 135 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर क्रॉस करने का टाइम में। अभी फिलहाल जो बारिश रहेगा आज कल और परसों आज और कल सौराष्ट्र कच्छ में मोस्ट प्लेसेस में बारिश रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे पोरबंदर मोरबी राजकोट जामनगर कच्छ में हेवी टू वेरी हेवी रेन रहेगा आइसोलेटेड प्लेसेस में एंड देवभूमि द्वारका में हो सकता है वेरी हेवी टू वेरी हेवी इवन एक्सट्रीमली हेवी रेन आज हो सकता है। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली रेन तो रहेगा आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकता है। और कल यानी 15th को हेवी टू वेरी हेवी एट अ फ्यू प्लेसेस में एंड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी एट आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना है कच्छ डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर और जामनगर में इवन मोरबी में भी हेवी टू वेरी हेवी हो सकता है। और जामनगर कच्छ देवभूमि द्वारका में काफ़ी सारे जगह में हेवी टू वेरी हेवी रेन रहने का संभावना है। उसका साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेन भी हो सकता है अराउंड इवनिंग आवर्स यानी लेके जैसे आप सोच सकते हैं 4 o'clock से लेके 8 o'clock इवनिंग आवर होता है। बिटवीन दैट पीरियड्स एनी टाइम हो सकता है लैंडफॉल एंड लैंडफॉल का टाइम में स्ट्रॉन्ग विंड मोस्टली रहेगा 125 to 135 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर। कल जो था आज क्या स्थिति में फेरफार हुआ है साइक्लोन की? और दूसरी बात यह है कि ये टाइम जो है वो बढ़ क्यों रहा है? अभी कल तो हमने बताया था इवनिंग को क्रॉस करने का, परसों हम बताए थे कि मॉर्निंग आवर में क्रॉस करने का संभावना है। जैसे जैसे हमारा हम पास आ जाते हैं ऐसे ऐसे एक्यूरेसी फोरकास्ट का एक्यूरेसी बढ़ते जाता है। फिलहाल जो फोरकास्ट के हिसाब से साइक्लोन क्रॉस करेगा कोस्ट आज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म
उसका बाद उसका इंटेंसिटी घटने का संभावना है। जो आई है उसकी स्पीड अंदर विंड की कितनी है और उसका बेसिकली घेरावा कितना है आई का, वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अभी जो हमारा जो साइक्लोन का मूवमेंट है 3 किलोमीटर पर आवर, लास्ट 6 आवर्स में 3 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है साइक्लोन खुद का साइक्लोन का मूवमेंट भी बढ़ता है। कल 10 किलोमीटर पर आवर में मूव हुआ था, इवन 12 किलोमीटर पर आवर में। अभी दिन जैसे बढ़ते जाएगा उसका मूवमेंट ग्रेजुअली, साइक्लोन का मूवमेंट ग्रेजुअली बढ़ता है, लेकिन विंड स्पीड जैसे हमने फोरकास्ट लगातार देते आ रहे हैं, हमारा फोरकास्ट में कोई चेंजेस नहीं है। विंड स्पीड एंड लैंडफॉल पॉइंट यानी क्रॉस जो करेगा और हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का फोरकास्ट भी दिए गए। सराउंडिंग का विंड स्पीड सराउंडिंग का आई में एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द साइक्लोन यानी आई में विंड स्पीड ज़्यादा नहीं रहता है, बारिश भी ज़्यादा नहीं रहता है, आपको लगता है कि एकदम शांत है। जब आई क्रॉस करता है, अगर आप आई का पोजीशन में खड़े हैं आपको लगेगा कि साइक्लोन ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है। आई का जो आई रीजन में ज़्यादा एक्टिविटी होता नहीं है, आई का जो वॉल क्लाउड रीजन आई का सराउंडिंग एरिया में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है। मैं जो एक एक